अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को साले दोम का और साले पाकिस्तान का लेक्चर नंबर 2 बताऊंगी, जिसमें हम लोग बाब नंबर 1 पढ़ रहे हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क्याम। इसका आज का हमारा टॉपिक है नज़रिया पाकिस्तान के अजाया तरकीबी, यानी कि इससे जो है वो किन किन अजा से जो है इसको तरतीबी अगर था या इसके हिस्से टुकड़े कौन कौन से थे। सबसे पहले हम लोग जो है वो देखेंगे कि इस्लामी निज़ाम के अजाया तरकीबी जो है वो कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहला है पाकिस्तान के क़याम का दावा किया गया, तो इसके पास मंजर में एक सोच भी कारफरमा थी कि मुसलमान अपने कायद के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें और इबादत की अदायगी में कोई रुकावट महसूस ना करें। मुसलमान में तौहीद और सआदत, यौम आखिरत, फरिश्तों और इल्हामी किताबों पर ईमान लाजमी है। इबादत में नमाज, रोजा, ज़कात और हज शामिल है। इस्लाम में जिहाद को भी बहुत अहम मुकाम हासिल है। अल्लाह ताला के जो है अलावा किसी दूसरे की इबादत ना करना और अपने शबरोज किसी खुशनुदी के लिए गुजारना इस्लाम है। इस अजीम तरीन हस्ती के लिए अपनी जान और माल कुर्बान करना करने के लिए हर दम तैयार रहना जो है वो भी जहाद है। जहाद भी नफ्स और जहाद भी माल दोनों की जो है तरकीब दी गई है। ये जहाद की दोनों जो है वो इकसाम है। तमाम इबादत और जहाद का बेहतरीन मकसद अपने रब को जो है वो राजी करना, उसकी मंशा ख्वाहिश के मुताबिक उसको जो है पाबंदी करना है। सेकंड नंबर पे हमारा जो पॉइंट है वो है जमहूरी इकदार का फरोग, यानी कि जो है जमहूरी को और इकदार को कैसे फरोग जो है वो हासिल हुआ था। इसमें देखिए इस्लामी रियासत और माशरे की जो है वो मुशावरत, यानी कि आपस में मेल जोल से जो मशवरे से जो है वो है मशवरा करना है। इस्लामी माशरे में जमहूरियत को फरोग हासिल होता है, अवाम के हकूक का ख्याल रखा जाता है, उन्हें मसावी दर्जा मिलता है और वो कानून के दायरे के अंदर रहकर जिंदगी गुजारते हैं। कानून इन्हें तहफ्फुज़ मुहैया करते हैं और ख्याल और रखता है और जो है इन्हें मसावी दर्जा भी जो है वो दिया जाता है। वो कानून के दायरे में रहकर जिंदगी गुजारते हैं। कानून इन्हें जो है वो अफराद में रंग नस्ल जात पात या जुबान की बुनियाद पर कोई तमीज रवा नहीं रखी जाती। हुकूमती निज़ाम के अलावा अपने अवाम को जो है वो ये जो को भी नुमाइंदे होते हैं वो उसके जवाब देते हैं। अमीर मोमिन अपनी जिम्मेदारी निभाते थे, वो अल्लाह ताला के काम की रोशनी में फैसले करते थे। इकदार आला को अल्लाह ताला को हासिल है, अलबत्ता अमीर मोमिन अल्लाह ताला के इकदार आला को उसकी मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करते थे। क्या पाकिस्तान की गजब गायत जो है वो कायद अजम ने 14 फरवरी 1948 को जो है वो यूँ बयान की थी कि आओ हम अपने जमहूरी निज़ाम को इस्लामी रंग में इस्लामी असूल के मुताबिक जो है वो बुनियाद फराम करें। आला और जलाल ने हमें सिखाया है हम रियासती अमूर को बाहम सलाह और मशवरे से तय करें। इसके बाद हमारा जो है वो थर्ड पॉइंट है माशरती इंसाफ और मुशावरत मसावात। इसमें आप देखें कि इस्लाम अमन अहूत और भाईचारे का दर्श देता है। फलस्तीन के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लीग का फैसला करते हुए इस ख्वाहिश का आवाज इजहार किया और से इस्लामी माशरे का दोबारा क़याम में लाना चाहते थे। वो अदल मशावरात और माशरती बहबूद के तकाज को पूरा करना चाहते थे और पाकिस्तान को जदीद दुनिया के सामने एक मिसाल बनाकर पेश करना चाहते थे ताकि दुनिया की दूसरी कमाम इसके निज़ाम से मुतासर होकर इसकी तकलीफ करें, यानी कि इसकी पैरवी करें। एक मुसलमाना मासी ऐसा क़याम अमल में लाते हुए मुसलमान ने बरसगीर ने अदल और समाजी मसावात पर जोर दिया था जो है और माशरे में जात पात रंग नस्ल और जुबान और सकाफत की तमीज रवा रखे बगैर तमाम इंसानों को बराबर जो है वो दर्जा दिए जाने का अजम रखा था। इस्लामी रियासत में दौलत का चांद हाथों में इंतकाज जो है वो नहीं होता बल्कि दौलत की मुसलमाना तकसीम का एक मजबूत और मुकम्मल निज़ाम होता है। पाकिस्तान में आने का फैसला हुआ तो मदद वाला तमाम जो है इदारों को अपनाने और रियासत को एक मिसाली रियासत बनाने का जो है वो भाव देखा गया जिसमें अहूत भाईचारा बर्दाश्त और बाकी तमाम के जज्बे को फरोग दिया जाता था। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो शहरों के हकूक व फराइज, यानी कि इस्लामी नज़रिया पहले पाकिस्तान की ज़ाहिर की में चौथा पॉइंट है शहरों के हकूक व फराइज। इसमें हम लोग जो है वो देखेंगे पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत का क़याम अमल में लाया गया तो एक तरफ शहरों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ात के लिए तस्दीक की गई तो दूसरी जानब उनके फराइज पर भी भरपूर जोर दिया गया। एक इस्लामी माशरे में हकूक के साथ साथ फराइज का जिक्र भी खसूसी तौर पर किया जाता है। एक फर्द का हक दूसरे फर्द का फर्ज बन जाता है। हुकूक व फराइज का चोली दामन का जो है वो साथ है, ये लाज़िम और मलज़ूम
प्राय जा करके ही एक जो है वो पाठ और भोग हासिल करने के काबिल बनता है। प्राय का मतलब इंसान की जाति इज्तिमाई दोनों पहलुओं से होता है। जागृत करने और अदलो इंसाफ और अपनी माशरे के लिए इस्लामी सुलूक को अपनाने का फैसला हुआ। क्या पाकिस्तान दर हकीकत इस्लामी माशरे के क्याम की तरफ एक बड़ा अहम कदम था ताकि मुसलमान अपने मजहबी असूल के मुताबिक रोजमर्रा की इज्तिमाई इंफरादी जिंदगी गुजार सके। इसमें नेक्स्ट वाला पॉइंट है हुकूक और भाईचारा। दीन इस्लाम अमन का दाई है यानी दावत देने वाला है और मुसलमानों के मबैन हुकूक और भाईचारे के जज्बों को फरोग देने पर जोर देता है। भाईचारे से मोहब्बत खलूस कुर्बानी एहसान और शफकत में इजाफा होता है। तमाम मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। एक का दुख सभी मुसलमानों का दुख और एक ही खुशी सभी मुसलमानों की खुशी है। मुसलमान एक दूसरे की मदद और जरूरत पूरी करते हैं। इस्लामी रियासत में यही आला अरफा जो है जज्बे रियासत को मजबूत से मजबूत दर बनाते चले जाते हैं। ये हमारे चार पांच पॉइंट थे जो है रजिया पाकिस्तान के जायदे की भी मैं कायदे बदाज और एक दार का फरोग माशर्ती इंसाफ और मसावात शहरों के हुकूक फराइज और हुकूक भाईचारा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।